ये देखो करते हैं, 200 ml की रहती है इसका प्राइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पे सोन इन पे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे सामने अभी ये मॉडल देख रहे हो, बुलेट 350। आप नंबर देख सकते हो कहाँ से आए ये, JK20। आपको पता होगा नंबर कहाँ का है, रियासी का नंबर है ये। फिलहाल इसमें जो प्रॉब्लम आई है, रियासी से आए हैं बंदे हमारे पास, प्रॉब्लम मैं आपको बता देता, प्रॉब्लम क्या है। अभी हम चलते हैं राइट पे और आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, शायद आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं राइट पे। अभी हम चलते हैं राइट पे और आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इस बाइक में। गरम गरम था, देखिए प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। जैसे आप चल रहे हो, हल्का सा वाइब्रेशन हो रही है, इस तरह से कर रहा है, तो कंफर्ट नहीं रह रहा आपको, इस तरह से हो रही है। ये देखो तो आवाज़ आ रही होगी आपको, एक बार उतार के दिखाता हूँ। जब भी सस्पेंशन चल रहे हैं वो मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा उनको। अभी चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करना है। चल आ गई हमारी वर्कशॉप। वर्कशॉप से बाहर इसलिए लाता हूँ, वर्कशॉप में थोड़ा शोर वोर रहता है। अभी हम आ गए हैं वर्कशॉप में। अभी बाइक आ गई है वर्कशॉप में, अभी बे पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि जो भी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसे कैसे ठीक करना है। बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी बाइक में। बाइक में प्रॉब्लम थी कि इसका जो फ्रंट के अंदर की सस्पेंशन है, यहाँ से होता है ये लूज़ हो गया। लूज़ क्यों हो गए, गाड़ी थोड़ी ऑफ रोड चली है, ऑफ रोड से लूज़ नहीं होनी चाहिए, बट बेसिकली कहीं ये नेट बोल्ट होता है लूज़ रहने के कारण जी, यहाँ ऊपर के नेट। अभी मैं आपको फ्रंट हिस्सा खोल के चौकर का एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या चीज़ लूज़ है और जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। खोलने के लिए हमें फ्रंट के हिस्से खोलना पड़ेंगे दोनों, नट बोल्ट काफ़ी जिसके साथ अटैच रहता है। शायद इनका एक सस्पेंशन लीक भी हो गया है, तो लीक हो, इनका तो सस्पेंशन भी लीक हो गया है। ये देखिए सस्पेंशन लीक हो गया एक साइड का, अभी इसका ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लूज़ क्या है। ये देखिए, ये देखिए लीक हो गया एक सस्पेंशन, लूजनेस होती नहीं जिसके कारण ये लीक हो गया। अभी फ़िलहाल हम जो सील होगी इसकी चेंज होगी और ऑयल दोनों का चेंज होगा। अभी ऑयल चेंज करके फिर हम एक राइड पे चलेंगे। हम सस्पेंशन जो सील है वो डाल दिया हमने, अभी हम जो ऑयल चेंज करेंगे दोनों आपको दिखा देता हूँ। यूज़ करते हैं 200 ml की रहती है, इसका प्राइस आता है 98 rupees आपको पड़ेगा, 98 और 98 rupees आपका। और डालना कितना ऑयल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑयल डलेगा पर चौकर में 190 ml। अब हम इसको मेजर करके डालते हैं 190 ml, 300 ml की है, 300 ml हमने एक बार कर लिया इसको, 100 ml कर दिया, 90 ml और डालेंगे इसमें। अभी इसमें भी ऑयल पड़ा होगा थोड़ा सा, ये एक हो गया, वैसे ही दूसरी तरफ 90 ml दूसरे में करेंगे। जैसे हमारी एनर्जी ड्रिंक होती है वैसे ही सस्पेंशन की एनर्जी ड्रिंक है ये। मेरी एनर्जी ड्रिंक तो स्ट्रिंग में सिंह पीता हूँ और इसकी आली है, इसमें भी 190 ml यूज करेंगे हम। ऑयल हो गया, इसके बाद हम इसकी एयर जनरेट करेंगे अंदर, जो एयर चॉकर में एयर रहती है जिससे जो मुझसे टेंशन है वो करते हैं एयर की तरह नहीं करते। ये आप आवाज़ में
अभी हम इस पर लॉकेट लगाएंगे, आपको लॉकेट दिखाता हूं। लॉकेट से क्या होता है कि मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है कि नेट प्रॉपर उस तरह से टाइट होता, ज़्यादा वाइब्रेशन से जो लूज हो जाते हैं। लॉकेट से तब अभी जब हमने खुद खोलने हैं तभी खुलेंगे, अदरवाइज वाइब्रेशन या किसी चीज़ से नहीं खुल सकते। लॉकेट हमें दिखा देता हूँ आपको, आरी सीलिंग प्रॉपर लाइट हमें लॉकेट बोलते हैं, थर्ड लॉक होता है। कोई भी नेटवर्क आपका ज़्यादा बार लूज हो रहा है आप उसके लगा के नेटवर्क को टाइट कर सकते हैं, जिससे ये ठीक हो जाएगा। अभी लॉकेट अप्लाई हो गया, ज़्यादा नहीं लगानी होती, एक एक बाकी वो सब पकड़ बनाए रखे और अभी हम इसको फिट कर लेते हैं। फिट करके मैं आपको फिर बाइक पे राइड पे चलते हैं और फिर आपको दिखा रहे हैं भाई। अच्छा भाई अभी हम कर लेते हैं इसको फिट, तो देखो पहचानो बच्चों के फेवरेट कार्टून में आता है। अब बताना कौन सा बंदा, देखो रोबर्ट जैसे रोबर्ट, अब बताना कौन सा बंदा है छोटा भी, जिसने सही कमेंट किया ना तो उसको बंदे को अलग साइक ऑफर मिलेगा। और आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप टाइट करो, ये वाला नेट बोल्ट होता है जो इनको पकड़ के रखता है, इसको हमेशा आपने टाइट कर देना है। ये लूज होने के कारण भी लूज हो सकते हैं, हम इसको टाइट करके यहाँ पे भी एक लॉक टाइट, यहाँ पे भी लॉक टाइट लगा के फिर इसको फिट करके फिर आपने इसको बाइक पे चलते हैं राइट पे। ठीक है भैया, करके फिर चलते हैं। फाइनली हो गई है बाइक, अभी हम चल रहे हैं राइट पे। राइट पे चल के आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई नहीं, वो चलो देखते हैं। इधर देखो तेल खत्म हो गया बेचारे ऑटो का, दिक्कत चल रहा है। अब देखो जा रही है एकदम से सीधी गाड़ी, पहले क्या था ऐसे ऐसे कर रही थी और राइट हैंड साइड पे जा रही है। अभी उतार के भी आपको ब्रेक मार के दिखा देता हूँ, अगर आपकी बाइक की प्रॉब्लम आए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम से ओके बाइक को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, करते रहिए और होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।